नमस्कार दोस्तों, मेरे इस आयुर्वेदिक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा दूसरा YouTube वीडियो है। इसमें मैंने लीच ट्रीटमेंट कैसे की जाती है ये मैंने इस वीडियो में दिखाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लीची को मैंने एक अच्छे डब्बे में और प्योर वाटर में मैंने उसको रखा हुआ है ताकि वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सके। जब आपको लीची का उपयोग करना है तो उस लीची को ऐसे लेके जहाँ पे लगाना है वो जगह वेट कॉटन से अच्छी तरीके से साफ करके उस जगह लीजिए। लीची कभी भी प्योर ब्लड सक नहीं करती है। जहाँ पे आपका इम्प्योर ब्लड होता है वहीं पे वो ब्लड सक कर लेती है। और इम्प्योर ब्लड सक करने से आपकी वहाँ की बीमारियाँ दूर हो जाती है। इम्प्योर ब्लड से होने वाली सभी बीमारियाँ और तकलीफें इस ट्रीटमेंट से दूर हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते ये जो पेशेंट है इनको नी ज्वाइंट पेन का प्रॉब्लम था, तो इसीलिए ये लीच ट्रीटमेंट मैंने उन पे की है। लीच ट्रीटमेंट एक बहुत ही राहतकारी उपाय है नी ज्वाइंट पेन के लिए। जब जलू का नेक हल्का सा इस तरीके से जब ऊपर आता है तब समझ लेना कि ये जलू सही तरीके से लग गई है और वो अपना इम्प्योर ब्लड सक करने का काम उसने शुरू कर दिया है। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से ब्लड सक करती है। उसके मूवमेंट आप देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे ब्लड सक करके अपने शरीर के अंदर लेते जाती है। ये जो हेयर प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए ये बहुत ही राहतकारी है। इस पेशेंट के हेयर फॉल के प्रॉब्लम की वजह से मैंने ये लीची उनके सर पे लगाई थी। आप देख सकते किस तरीके से वो ब्लड अपने बॉडी के अंदर धीरे 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 भरते जा रही है। जब लीची इम्प्योर ब्लड सक करती है तो इस तरीके से एक हल्का कॉटन पतला कॉटन लेके उसको थोड़ा पानी में भिगो लेना है और उस कॉटन को उस लीची के ऊपर हल्के से रख देना है। इस तरीके से आप देख सकते हल्की तरीके से रख देना है और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा हल्का हल्का पानी डाल के रखना है ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। थोड़ा हल्की तरीके से आप ये देख सकते हैं मैंने किस तरीके से लगाया है। ब्लड सक होने के बाद वो लीची उस जगह को छोड़ देती है। थोड़ा उस जगह से खून बहने दीजिए, उसके बाद हल्दी वाले कॉटन को उस जगह पे लगा दीजिए। आप देख सकते हैं इस तरीके से लगाना है। उसके बाद आप लीची के मुंह पे थोड़ा हल्दी लगाइए, क्योंकि लीची के मुंह पे हल्दी लगाने से वो इम्प्योर ब्लड अपने बॉडी से ओमेट कर देती है। ये इम्प्योर ब्लड निकालना इसीलिए ज़रूरी है ताकि उसकी सेहत अच्छी रहे। अगर उसके शरीर में इम्प्योर ब्लड रहता है तो उसकी सेहत को हानि हो सकती है। उसको इस तरीके से काफ़ी हल्के तरीके से दबाना है ताकि उसको तकलीफ ना हो। जब आपको लगे कि उसके अंदर का इम्प्योर ब्लड निकल गया है तो आप उसको आधा से एक मिनट तक हल्दी वाले पानी में रखें। आप देख सकते हैं ये मैंने हल्दी वाला पानी बनाया है और उसके अंदर मैंने लीची को डाल दिया है। उसको आधा से एक मिनट तक रखें, उसके बाद आप उस लीची को साफ पानी में रखें और एक हल्के हाथ से अगर उसके ऊपर थोड़ी बहुत हल्दी रह गई है तो उसको निकाल दीजिए। और उसके बाद
आप एक साफ डब्बे में साफ पानी के अंदर उसको रखें और उसके कैप को थोड़े होल्स करें ताकि उसको ऑक्सीजन मिलती रहे। हेयर फॉल, सोराइसिस, स्वेलिंग, गठिया, एक्ने, एक्जिमा ऐसी बहुत सारी बीमारियों पे लीच ट्रीटमेंट एक बहुत ही असरकार उपाय है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अगर कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।